Assalamualaikum, welcome back to How to Cook PK. आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये केक मैं आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में बना के दिखाने वाली हूँ। आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने लेना है जूसर, जिसमें मैंने कुकीज यूज़ किए हैं, चॉकलेट चिप, मैंने 3 हाफ रोल्स यूज़ किए हैं, आप किसी भी कंपनी के यूज़ कर सकते हैं। इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब। मैं जूसर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के पास फूड प्रोसेसर नहीं होता। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप उसमें बनाएं। अब दूध डाला है मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून के करीब। अब मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड। हमने इसको कब तक चला रखा है, जब तक एक मिक्सचर अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास सिर्फ यही हमने 3 इंग्रेडिएंट्स लेने थे और हमारा केक का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कितना मज़े का लग रहा है। अब हमने इसको खोल लेना है। हमें चाहिए केक बनाने के लिए कोई भी एक सांचा आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप कोई भी डोंगर यूज़ कर लें, ठीक है। आप पतीली में भी इसको कर सकते हैं बेक, आपने इसको ओवर बेक नहीं करना, सिर्फ 15 मिनट आपने इसको बेक करना है। कोई भी आप बर्तन यूज़ करें उस पर आपने ऑयल की ग्रीसिंग कर लेनी है अच्छी तरीके से चारों तरफ, और अगर बटर पेपर है तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप जो एक बिस्किट का चूरा करके चारों तरफ उसको जैसे मैदे को लगाते हैं उस तरह आप बर्तन पर लगा दीजिएगा। अब हमारा हो गया है तैयार सांचा। अब इसमें हम बटर पेपर लगाने के बाद भी थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ग्रीस कर देंगे। अब जो हमने बैटर तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने सारा बैटर डाल दिया, इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा इवन कर लूँगी स्पैचुला से। अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी। ओवन में मैंने मिनिमम 10 मिनट्स और मैक्सिमम 15 मिनट्स रखा है, ठीक है। ये देखिए हमारा केक बिल्कुल तैयार है। मैं आपको टूथपिक डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से बिल्कुल पक गया है। अब इसको निकाल लेंगे, बहुत आराम से निकल जाएगा क्योंकि हमने बटर पेपर यूज़ किया था। ये देखें बहुत आराम से हमने क्योंकि ऑयल की ग्रीसिंग की हुई थी। अब इसके ऊपर से हम हटाएंगे बटर पेपर, बिल्कुल आराम से उतर जाएगा। देखें थोड़ा गर्म है, आप देख सकते हैं केक कितना सॉफ्ट है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के मदद से हमने ये केक बनाया। आप चाहें तो आप इसके ऊपर किसी भी चीज़ की टॉपिंग कर लें, टॉपिंग के बगैर भी ये केक बहुत मज़े का बनेगा। मैंने व्हिप्ड क्रीम यूज़ की है जिसमें मैंने कोको पाउडर डाला हुआ था। मेरे पास व्हिप्ड क्रीम पहले से ही मौजूद थी, इस वजह से मैंने यूज़ की है। मुझे यकीन है अगर आप ये रेसिपी घर पर ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।